हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में ये सेटअप बॉक्स है। दोस्तों इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम क्या हुई है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इस सेटअप बॉक्स में लाइट आता है, ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। दोस्तों यही एक प्रॉब्लम हुई है, इसमें ऑन होके ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप लोग इस सेटअप बॉक्स को कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी मिलेगी, उसे भी दबा देना है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि इसको कैसे रिपेयरिंग करते हैं। तो चलिए आप तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे हम रिपेयरिंग करेंगे। और चलिए आपको यहाँ पे लाइट देकर दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लाइट दूंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लगा दिए हैं, और आपको यहाँ पे दिखाते हैं चालू करके। तो देखिए यहाँ पर ऑन कर दिया है, जैसे ही ऑन करेंगे तो आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ये फिर से ऑफ हो जाता है। देख सकते हैं कभी कभी ऑफ हो जाता है, कभी ऑफ नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं कितने देर में ऑफ होता है ये। अभी तो ऑफ नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही ऑफ होता है, जैसे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, या अभी भी ऑफ हो जाए, देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं फिर से ऑफ होकर ऑटोमेटिक फिर से ऑन हो गया। तो चलिए इसको हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नट बोल्ट है, इसको खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर दिया है, और अब आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाएंगे वोल्ट चेक करके। तो आपको मल्टीमीटर ले लेना है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 20 पॉइंट है, इस पर कर देना है और यहाँ पर रख देना है। और आपको यहाँ पे एक ग्राउंड पे लगा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और सबसे फर्स्ट वाला दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे ओके करना है। देख सकते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.73 वोल्ट आ रहा है। और ये कहाँ से निकलता है, यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.15 वोल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो 3.96 वोल्ट दिखा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं ये फॉल्ट कहाँ पे हो रही है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2, 4, 6, यहाँ पे 6 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला वायर देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला वायर ये 3 वोल्ट, उसके बाद 2 नंबर ग्राउंड, 3रे नंबर 12 वोल्ट, 4थे नंबर 24 वोल्ट, फिर 5वें नंबर ग्राउंड, और 6ठे नंबर 5 वोल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ से प्लग निकाल लेना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ से निकाल दिया है, और आपको इसको भी निकाल देना है। देख सकते हैं मैंने कैसे इसको निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताए हुए हैं हम फर्स्ट वाला वायर, जो कि ये वाला है, ये फर्स्ट वायर, ये 3 वोल्ट का है। तो इसको यहाँ से थोड़ा फैला लेना है, देख सकते हैं मैंने कैसे इसको फैला दिया है, देख सकते हैं इतना फैला देना है। ये फर्स्ट वाला वायर जो कि 3.3 वोल्ट का है, ये वाला वायर जो कि मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, और इसको कटर से
कट कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने कटर से यहाँ से कट कर दिया है। और आपको क्या करना है हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है, इसको यहाँ से बोल्ट को ये जो फास्टनर है इसको निकाल कर इस पावर सप्लाई को पलटना है। तो चलिए इसको हम पलटते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये बोर्ड को निकाल दिया है और पलट दिया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये 3 वोल्ट का है, अभी बता देता हूँ। देख सकते हैं ये वाला पॉइंट ये 3 वोल्ट का यहाँ पे आता है और यहाँ पे डाइबोर्ड लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे डाइबोर्ड लगा हुआ है। नज़दीक से दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डाइबोर्ड लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जब हम मीटर से चेक करते थे देख सकते हैं यहाँ पे जब मीटर से हम चेक करते हैं यहाँ पे तो 2 पॉइंट कुछ वोल्ट बताता है, लेकिन जैसे ही हम इधर करते हैं तो 3.96 बताता है। यहाँ पे जो कि हम टेस्टर से जहाँ पे बता रहे हैं D10 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ वोल्ट बता रहा है। तो इस वायर को दोस्तों जो कि मैंने काटा है देख सकते हैं इस वायर को कट कर दिया है, इस वायर को हम इस डाइबोर्ड के पॉइंट पे जोड़ेंगे यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे सोल्ड कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये डाइबोर्ड में। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम सोल्ड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको वैसे ही बैठा देना है जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो वैसे ही इसको हम पहले बैठा देते हैं। तो देख सकते हैं ये बैठ गया। और आपको फिर से ये दोस्तों यहाँ पे कट किया है, इसको वैसे ही छोड़ देना है, केवल इस वायर को ही यहाँ पे जोड़ना है इस डाइबोर्ड पे दोस्तों, जहाँ पे D10 लिखा हुआ है, 10D10 लिखा हुआ है यहीं पे जोड़ना है, इसके नीचे दूसरे जगह पे नहीं जोड़ना है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हम बता देता हूँ कितना कितना वोल्ट इसमें वायर में आता है। 3 वोल्ट ग्राउंड, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ग्राउंड और फिर 5 वोल्ट। तो चलिए इतना हो गया, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसको लगा देना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप चालू करेंगे तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे ऑन ऑफ का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि चालू होता है और फिर कभी कभी 3 अंक लिखता है और कभी 0 अंक हो जाता है, 1 अंक लिखने लगता है, तो इसी का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये डाइबोर्ड का प्रॉब्लम होता है। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। और दोस्तों सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट पूरा करें ताकि ऐसे ही हम वीडियो लाते रहें और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आप लोग कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।